वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो आज आपको लेके चलता हूं लिली, जहां पे आपको हर लिली वैरायटी के बल्ब और ट्यूबर मिल जाएंगे। तो जितने लिली वैरायटी होती है, सब फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत इनमें फ्लावर आते हैं। तो आज हम जो बल्ब लेने जा रहे हैं, वो लेने जा रहे हैं रेन लिली के। तो दुकान पे चलते हैं और आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे और इनका रिजल्ट भी देखेंगे। क्या ये लिली के बल्ब जो रियल लिली के हैं, तो ये क्या सच में फ्लावरिंग करते हैं? और ऑनलाइन काफ़ी कॉस्टली मिल रहे थे, इसलिए हम दुकान पे जाएंगे और इनकी रेट भी आपको बताएंगे और इनका रिजल्ट भी दिखाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो ये देख सकते हैं, हम दुकान पर आ गए हैं और हमारे सामने ये किताब है, बुक, जिसमें सभी तरह के फ्लावर दिए हुए हैं। और हमें इसमें से अपने लिए पसंद करना है हम कौन कौन से बल्ब लेने वाले हैं। देखिए, ऊपर लिखा है फ्लावर बल्ब। तो ये बल्ब होते हैं और जिनको हमें गमले में लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद प्लांट और फिर फ्लावरिंग। पर आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी आएँ तो सीजन को देख के आएँ, कौन से सीजन में किस बल्ब को ग्रो करने का टाइम होता है ग्रोइंग, उसी समय के आप बल्ब लें। आप यहां देख सकते हैं, यहां पे मैरी गोल्ड और भी कई तरह की देख सकते हैं, इसमें किस्में हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें सभी तरह के फ्लावर दिए हुए हैं। तो फ़िलहाल मैं अपने लिए लेने आया हूं रेन लिली, क्योंकि मेरे पे बहुत तरह के बल्ब हैं और आज मैं लेने आया हूं रेन लिली, देख सकते हैं। तो रेन लिली के बल्ब कुछ इस तरह के होते हैं, छोटे छोटे से आप देख सकते हैं। और इनकी जो ये कितने रुपए के हैं, तो वो मैं बता दूं, ये 5 रुपये पर पीस मिलेगा। और यहाँ पे देखिए कई तरह के बल्ब हैं, ट्यूबर हैं। तो इसमें तो मुझे नाम भी नहीं पता, जब तक इनका प्लांट ना बने और फ्लावरिंग ना हो तो आप किसी भी बल्ब को पहचान नहीं सकते कि ये किस का बल्ब है, जब तक इसमें फ्लावरिंग ना हो। ये बात सिर्फ दुकान वाले जो होते हैं, दुकान के ओनर, उन्हें पता होती है। और इस बल्ब का नाम है, देख सकते हैं, अम्ब्रेलस लिली। इसकी मुझे पहचान है, ये प्याज की तरह बड़े साइज का होता है, ये अम्ब्रेलस लिली है। और तो फाइनल हम देखिए आ गए हैं अपने घर पे, और मैंने ज़्यादा वीडियो वहाँ नहीं बनाई और अब हम इनको ग्रो करके देखेंगे। तो मैंने रेट आपको बता दिया है कि 5 रुपये ये हमें एक बल्ब का जो रेट है वो हमें पड़ा है। तो हमने यहाँ पे बल्ब लिए हैं 10, और अब हम इनको इसमें ग्रो करेंगे। और ये चम्मच की मदद से ही हम इसकी मिट्टी जो है वो सॉफ्ट कर लेंगे। तो आप जब भी बल्ब लगाते हैं तो उसके लिए आप मिट्टी ऐसी लें जो कि चिकनी मिट्टी ना हो, आप जितना हो सॉफ्ट मिट्टी लें। सॉफ्ट मिट्टी से ये फ़ायदा है कि बल्ब की जो रूट होती हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होंगी और हमारे जो प्लांट है वो भी काफ़ी अच्छा होगा और उस पर फ्लावरिंग भी अच्छे साइज की आएगी। अब हम एक एक करके इसमें बल्ब लगाते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं एक एक करके बल्ब लगाने की। तो देखिए मिट्टी कितनी सॉफ्ट है, और मैं चम्मच की मदद से ही, तो घर में जो भी टूल मुझे मिलता है उसी से मैं अपनी बागवानी करने शुरू कर देता हूँ। तो ज़्यादा कुछ मार्केट से ख़रीदते नहीं हम, जितनी बागवानी में कम खर्च में की जाए उतनी इसमें मज़ा है। तो अब देखिए मैं एक एक करके इसमें बल्ब लगा देता हूँ। और देखिए, बच्चों को मिट्टी से खेलना बहुत पसंद है। तो ये मेरी बेटी है, जब भी मैं अपने छत पर गमले के साथ मिट्टी अगर निकालता हूँ उसमें किसी काम से, तो ये आज ज़रूर आती है मेरी हेल्प करने। तो आप भी इसी, आपको भी इसी तरह से बल्ब लगाने हैं एक एक करके। और आप इसको पास लगाइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो काफ़ी अच्छी लगती है, घनी फ्लावरिंग। जितनी घनी फ्लावरिंग होगी उतनी अच्छी लगती है। तो आप पास पास बल्ब लगाइए, मैं 10 बल्ब हैं और 10 के 10 मैं इसी गमले में लगा दूँगा। उसके बाद हमें इसे वाटरिंग करना है। और आपको एक बात का ख्याल रखना, जब भी आप बल्ब लगाते हैं और गर्मी का मौसम होता है तो आप अपने गमले को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि बल्ब होते हैं वो काफ़ी हीट के कारण गल सकते हैं। इसलिए बल्ब लगाने के बाद
आप इसको छायेदार जगह में रखें और एक हफ्ते के बाद आप फिर इसको गमले को धूप में ले आएं, क्योंकि तब इसकी रूट आ जाती हैं। उसके बाद बल्ब सड़ने के चांस कम होते हैं, क्योंकि मैंने कुछ बल्ब लगाए थे जो कि काफ़ी गर्मी में, और मैंने प्लास्टिक का गमला यूज किया था, तो मेरे बल्ब वो ख़राब हो गए थे, गल गए थे। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि बल्ब लगाने के बाद उसको छायेदार जगह में रखें। और बल्ब लगाने के बाद इसमें हम वाटरिंग करेंगे, तो वाटरिंग करते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इसमें आप खारा पानी ना दें। खारे पानी से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि खारा पानी नमकीन होता है, वो प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आज जो हम पानी पीते हैं वो प्लांट के लिए अच्छा होता है। तो अब देखिए, मैंने सारे बल्ब जो लगा दिए हैं, अब इनका रिजल्ट भी दिखाएंगे, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे और लगभग हमारे सारे बल्ब देख सकते हैं कंप्लीट हो गए हैं, और इसमें अच्छे से इसको हम दबा भी दिए हैं। अब हम इसको वाटरिंग करके और इसको ऐसी छायेदार जगह में रखेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या इनमें से जो प्लांट ग्रो होते हैं और क्या इसमें फ्लावरिंग होती है, और फ्लावरिंग अगर होती भी है तो कौन से कलर के फ्लावर आते हैं। तो अब वीडियो आप लास्ट तक देखिए, अब हम मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो पानी में ले आया हूँ बोतल में भर के, और ये पानी पीने वाला पानी है, और हम इसको अब पानी को डालेंगे। तो काफ़ी मिट्टी सॉफ्ट है, देख सकते हैं, देखिए इतनी मिट्टी हमारी सॉफ्ट है ना कि इसमें जो बल्ब है वो टिका नहीं और वो गिर गया। तो आपको ऐसी मिट्टी रखनी है, पर बल्ब को कोई दिक्कत नहीं है, जब धीरे धीरे ये मिट्टी सेट हो जाएगी तो बल्ब फिर कहीं नहीं जाएंगे जब इसकी रूट बन जाएगी। तो हम धीरे धीरे पानी डाल देते हैं, और अब वीडियो में अब टाइम आ गया है रिजल्ट का, तो आप इसी वीडियो में बने रहिए, रिजल्ट में इसी वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो वाटरिंग हमने कर दी, एक बार हमको अच्छे से पानी दे देना है ताकि पानी नीचे से गमले से ड्रेन आउट हो जाए, और उसके बाद हम इसको छाये में रखते हैं और फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पूरे एक महीना हो गया है, और देख सकते हैं रात में खूब अच्छी बारिश हुई है, दो दिन से बारिश हो रही है, और हमारे प्लांट देख सकते हैं तैयार हैं रेन लिली के, और इस पे देखिए कितने प्यारे प्यारे जो है फ्लावर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही बारिश होती है तो इसमें से एक कली बनती है, ये देख सकते हैं, और उस फिर वो खिल जाती है, और ये फ्लावर दो दिन तक ऐसे ही रहता है। तो आप देख सकते हैं रेन लिली का पूरा रिजल्ट मैंने दिखाया, कहाँ से आप ये बल्ब बाय कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ आप वीडियो ये शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी इस तरह के फ्लावर अच्छे अच्छे लगा सकें अपने घर में, तो उनके साथ वीडियो शेयर करें। और अगर आप यहाँ से जाके बल्ब लेते हैं तो मैं यहाँ का एड्रेस आपको दे दूँगा। इस वीडियो के लास्ट में जो वीडियो का लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने इस जगह का एड्रेस दे रखा है। यहाँ के मैंने तीन पार्ट बनाए हैं, तो आप प्ले कर सकते हैं ये वीडियो। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो।